नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 25 तारीख। कल के सेशन में अगर हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो मार्केट में एक मिला जुला ट्रेड था। हमने फिर से कॉटन सीड ऑयल किट के अंदर, जैसे हमने बताया था कि 1840 के ऊपर अगर होल्ड करता तो 1880 जा सकता है, बट हमने देखा मार्केट दायरे में अटक चुका है। पूरे हफ्ते भर में हमने देखा 1800 के नीचे प्राइस नहीं जा पा रहा है, नहीं 1850-60 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। वहीं कॉटन की बात करें तो इंटरनेशनल में भी कॉटन में हमने आधे परसेंट की तेजी देखी है, करीबन 65-70% के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कॉटन को सपोर्ट करेगा। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, साथ में जो हमने मौसम खराब होने की वजह से काफी क्रॉप डैमेज की अपडेट आती हुई देखी है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। साथ में हमने देखा पंजाब हरियाणा ये एरियाज के अंदर जो नया एग्री बिल पास हुआ है उसको देखते हुए कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट में, जो कहीं ना कहीं एग्री के प्राइजेस पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि अराइवल्स हैम्पर हो रही है और इस चीज को ध्यान रख के हमें ट्रेड करना है। तो कॉटन टेक्निकली भी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 18100 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और आज इंटरनेशनल फैक्टर पॉजिटिव है, शुक्रवार का दिन है तो पूरे हफ्ते नहीं चला है। 18100 का लेवल अगर तोड़ देता है तो 18300 से 18400 तक के भी लेवल हम कॉटन अक्टूबर वायदे में देख पाएंगे। वहीं कपास भी 1050 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो प्राइजेस 1800 के अच्छे बेस पे पड़ा है। जिस ढंग से ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने गिरावट देखी है उसका एक पॉजिटिव असर पड़ा था, बट जिस ढंग से वापस हमने देखा है कि ऑयल काउंटर बढ़ना चालू हुआ है वो भी एक फैक्टर हो सकता है, बट ओवरऑल हमें लगता है 1800 से 1850 का एक दायरा रहेगा। चार्टी के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले आइस कॉटन हमने गिरावट भी देखी, चैनल के बिल्कुल अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। आप ये 2 आवर के चार्ट देख सकते हैं, प्राइजेस बिल्कुल इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और साथ में अब 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक बार प्राइजेस 65-50 के ऊपर होल्ड कर गया तो मे बी हम अपर साइड का एक नया चैनल बनते हुए देखेंगे, जो करीबन 66-80 तक का लेवल भी दिखा दे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली आइस कॉटन पॉजिटिव, उसका सीधा सीधा असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। जबकि कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो प्राइजेस ने रिकवरी करके पूरी कोशिश की, बट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रह गया, क्लाउड के नीचे है और क्लाउड अब रेड बनना चालू हो चुका है। इमीडिएट सपोर्ट 1800 का है, हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 1800 का लेवल होल्ड कर रहा है। अगर आज के सेशन में 1800 का लेवल तोड़ता है तो 1770 तक का लेवल हम देख पाएंगे, क्योंकि RSI नेगेटिव में है, वॉलिटिटी आज बढ़ने की उम्मीद है और वर्टेक्स भी हमें दिखा रहा है कि आज नेगेटिव हो सकता है। तो 1800 का लेवल तोड़ने पे हमें बिकवाली करके चलना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कमोडिटी